और इसी तरीके से हम लोगों ने ये देखिए बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स में अगले साल के लिए रिजर्व करके रखे हैं। ये हो गया आपका आइस पंच, ये हो गया गोल्ड ब्रश, ये अगले साल के लिए हम लोग ने रिजर्व करके रखे हैं। अगले साल इसी से फिर हम लोग नए प्लांट बनाएंगे, तो रिजर्व करके रखना पड़ेगा अच्छे से पानी देते हुए। और ये फ्लावर जो है इसको अप्रैल में काटा जाएगा यहाँ से, एंड जैसे काटेंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा फर्टिलाइजर देंगे, काउ डंक, काउ यूरिन, कुछ भी हो।